बैडमिंटन तो आपने ज़रूर खेला होगा। जब चिड़िया यानी शटलकॉक को पहला खिलाड़ी रैकेट से मारता है तो इसका कॉर्क वाला हिस्सा ही रैकेट से लगता है, जबकि पंखों वाला खुला मुंह आगे की ओर रहता है। लेकिन जब यह शटलकॉक दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचती है तो भी कॉर्क वाला हिस्सा ही रैकेट से लगता है, यानी शटलकॉक हवा में घूम गई। इतना ही नहीं, इस शटलकॉक का कॉर्क वाला हिस्सा नीचे करके गिराते हैं तब तो पंख पहले टकराने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है और कॉर्क वाला हिस्सा ही नीचे टकराता है। और तो और, इस शटलकॉक को इस तरह रखकर ऊपर की ओर को फेंकते हैं तो इस शटलकॉक का कॉर्क वाला हिस्सा ही ऊपर हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि शटलकॉक में ऐसा क्या है कि किसी भी ओर फेंकने पर कॉर्क वाला हिस्सा ही आगे जाता है? नमस्ते, मैं हूँ निशा और आज हम इसी घूमती हुई शटलकॉक की पहेली को सुलझाएंगे। बैडमिंटन काफ़ी प्रसिद्ध खेल है। भारतीय बैडमिंटन के पहले सुपरस्टार प्रकाश पादुकोण से लेकर आज की जनरेशन के साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय का नाम हर घर में जाना जाता है। इतिहास में इस खेल का जिक्र यूरोप, चीन और भारत में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन ग्रीस में लगभग 2000 साल पहले इस खेल की शुरुआत हुई थी और इसे बैटल डोर और शटल कॉक के नाम से जाना जाता था। बैटल डोर लकड़ी का एक फ्रेम होता था जिस पर धागों के जाल की बजाय कागज या जानवरों की खाल चिपकी होती थी। इसके हैंडल में जानवरों की पतली खाल की लेयर चिपकी होती थी और शटल कॉक भी चिड़िया के पंखों से अव्यवस्थित तरीके से बनी होती थी। इस खेल को खेलने का तरीका भी अलग था। दो या दो से अधिक लोग शटल कॉक को आगे पीछे उछालते थे जब तक कि यह जमीन पर गिर न जाए, और एक अकेला खिलाड़ी भी बैटल डोर में शटल कॉक को उछाल उछाल के खेलता था जब तक कि यह जमीन पर गिर न जाए, यानी कि खेल होता था शटल कॉक को जमीन पर गिरने से रोकना। भारत में लगभग सन 1860 में पूना के ब्रिटिश सेना के अधिकारी इसी खेल में नेट का उपयोग करके खेला करते थे और इसी वजह से यह खेल पूना नाम से जाना जाने लगा। और जब ये सेना के अधिकारी इंग्लैंड लौटे तो यह खेल वहाँ भी खेलने लगे और एक दिन एक शहर के शासक ने इस खेल को अपने मेहमानों के साथ खेला। उसके घर का नाम बैडमिंटन हाउस था, तो तब से यह खेल इसी बैडमिंटन नाम से प्रसिद्ध हो गया। है ना यह रोचक इतिहास? पुराने ज़माने की शटलकॉक की तरह ही हम भी कबूतर के पंखों को इकट्ठा करके या फिर पेपर का इस्तेमाल करके ये शटलकॉक बना सकते हैं। आज इस्तेमाल की जाने वाली शटलकॉक हंस के पंखों को व्यवस्थित तरीके से रखकर बनाई जाती है जिससे कि यह हवा में अच्छी तरह से जा सके, और प्लास्टिक की शटलकॉक भी काफ़ी यूज की जाती है। अब समझते हैं कि शटलकॉक हवा में अपने आप कैसे घूम जाती है। तो सबसे पहले हम किसी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझते हैं, जैसे कि यह लकड़ी की छड़ी। इसको बनाने वाली सारी लकड़ी इस छड़ी को वजन देती है। भले ही यह पदार्थ पूरी छड़ी में फैला हुआ है, लेकिन इस पर एक ऐसा बिंदु है जहां पर हम इस छड़ी को अंगुली पर ही संतुलित कर सकते हैं। मानो सारा पदार्थ इस छड़ी पर फैला हुआ न होकर सिर्फ इस बिंदु पर केंद्रित है, और इसी बिंदु को हम सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इस डिस्क का द्रव्यमान केंद्र भी इसके केंद्र पर है, और इस हथौड़े का द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है, न कि इसके केंद्र पर। और हमारी इस शटलकॉक का द्रव्यमान केंद्र भी इसके केंद्र पर न होकर इस भारी कॉर्क वाले हिस्से की ओर इधर कहीं होता है। इसको हम इस पर धागा लटकाकर जान सकते हैं। धागे से यहाँ पर बांध कर लटकाएं तो यह संतुलित रहती है। जब कोई वस्तु हवा में गति कर रही होती है, जैसे कि यह फेंका हुआ पत्थर, बॉल, हवाई जहाज, ये कागज का बना हुआ रॉकेट या शटलकॉक, इसकी सतह का हर हिस्सा हवा की संपर्क में आता है। गति करते समय हवा इसकी सतह के हर हिस्से पर अलग अलग दिशा में बल या दाब लगाती है। वस्तु पर हम एक ऐसा बिंदु ले सकते हैं जहां पर हम यह मान सकते हैं कि हवा का सारा बल या दाब उसी बिंदु पर किसी एक दिशा में लग रहा है, और इस बिंदु को हम दाब केंद्र या सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं।
सीजी की तरह हम आसानी से पता नहीं लगा सकते हैं कि सीपी बिंदु सटीक तौर पर कहाँ स्थित है, पर हम दो अनुमान लगा सकते हैं। पहला ये कि जैसे शटलकॉक या हथौड़े का सीजी उसके भारी हिस्से की ओर होता है, वैसे ही शटलकॉक, रॉकेट या किसी उड़ने वाली वस्तु का सीपी उस ओर होता है जहाँ इसकी ज़्यादा सतह होती है। जिस तरह रॉकेट में फिन्स की ओर ज़्यादा सतह है तो सीपी पीछे की ओर है, उसी तरह शटलकॉक में पंखों की ओर सतह ज़्यादा है तो इसका सीपी पंखों की ओर है। दूसरा, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सीजी और सीपी एक ही जगह पर हैं या नहीं। ज़्यादातर खेल बॉल से खेले जाते हैं जिनमें समरूपता या सिमिट्री होती है, यानी किसी भी ओर से देखने पर एक जैसी ही लगती हैं, और इनमें सीजी और सीपी एक ही जगह पर होते हैं। लेकिन यह शटलकॉक कोन के आकार की है, इसका कॉर्क वाला भाग छोटा और ज़्यादा वजनदार है, जबकि पंखों वाला भाग ज़्यादा सतह वाला लेकिन हल्का है। इसीलिए शटलकॉक का सीजी कॉर्क की ओर है, जिसे हमने धागे से लटकाकर पता किया, लेकिन इसका सीपी पंखों की तरफ होगा। इसके सीपी बिंदु की सटीक स्थिति हमें नहीं पता, लेकिन हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह सीजी बिंदु से अलग है, यानी कि शटलकॉक का सीजी और सीपी अलग अलग जगह पर है। ऐसा ही इस रॉकेट में भी है। इसका सीजी यहाँ पर है, जैसा कि धागे से लटकाकर पता चल रहा है, और इसका सीपी पीछे फिन्स की ओर होगा। अगर हम इसके फिन्स और बड़े कर दें तो सीपी और पीछे खिसक जाएगा, और अगर हम ये फिन्स आगे खिसका दें तो सीपी की स्थिति भी बदल जाएगी। आज हमने द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास और दाब केंद्र यानी सेंटर ऑफ प्रेशर को विस्तार से समझा। अगले वीडियो में हम शटलकॉक या किसी भी उड़ने वाली वस्तु की उड़ान में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ प्रेशर की साथ में क्या भूमिका रहती है, इसको विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।